केजीएफ चैप्टर के टीजर ने तो यूट्यूब पर भूचाल सा ला दिया है। फिल्म के टीजर को रिकॉर्ड तोड़ व्यूज मिल रहे हैं और केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर लगता है कि फैंस में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। तभी तो व्यूज का आंकड़ा हर मिनट के साथ बढ़ता ही जा रहा है। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश ने इस फिल्म के जरिए बड़े बड़े स्टार्स को धूल तक चटा दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की आखिर फुल फॉर्म क्या है? नहीं ना, तो चलिए हम बताते हैं आपको। बता दें कि केजीएफ की फुल फॉर्म है कॉलर गोल्ड फील्ड्स। हिंदी में केजीएफ का फुल फॉर्म कॉलर सोने के खेत है। बता दें कि केजीएफ के पहले भाग की कहानी भी कॉलर गोल्ड फील्ड्स पर ही बेस्ड थी। कर्नाटक का कॉलर जिला सोने की खदानों के लिए जाना जाता है और इन्हीं खदानों के इर्द गिर्द फिल्म केजीएफ की कहानी बुनी गई है। फिल्म में दिखाया गया था कि हर कोई कॉलर गोल्ड माइंस पर राज करना चाहता है और फिल्म में सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ मुख्य विलन था, जो कि कॉलर गोल्ड माइंस पर राज करता था। लेकिन उसे पहले पार्ट के अंत में ही यश यानी कि रॉकी ने मार दिया था। यश गरीबों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था, जिसने गरीबों पर होते अत्याचारों को रोका और गरुड़ का खात्मा किया था। अब चलिए बताते हैं आपको कॉलर गोल्ड फील्ड का इतिहास। कर्नाटक में आज के टाइम में बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ, जो कि भारत में प्राचीन गोल्ड माइन है। ऐतिहासिक उल्लेख बताते हैं कि यहां प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही अलग अलग समय में सोने की खुदाई होती रही है, जिनमें 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चोला साम्राज्य और 16वीं सदी के विजयनगर साम्राज्य से लेकर 18वीं सदी के राजा टीपू सुल्तान के काल तक की अवधि सम्मिलित है। सदियों तक केजीएफ से दक्षिण भारत के शासकों को भारी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई है। ये भारत के सबसे गहरे खदानों में से एक था, जहां 1980 और 1990 के दशकों में धरती की सतह से 3 किलोमीटर नीचे खुदाई होती थी। केवल दक्षिण अफ्रीका के कुछ खदान इससे ज्यादा गहरे हैं। आधुनिक खुदाई का काल 1880 से 2001 120 साल तक रहा है। 2001 में सरकारी कंपनी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने परिचालन बंद कर दिया। जुलाई 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में गोल्ड की खुदाई पुनः आरंभ करने का आदेश पारित करते हुए गोल्ड भंडार सहित खजानों की नीलामी की अनुमति दी। अब बात करें केजीएफ 2 की, तो इस फिल्म में यश के साथ संजय दत्त और रवीना टंडन भी नजर आएंगी। फिल्म में इस बार गोल्ड के साम्राज्य का राज करने के लिए अधीरा यानी कि संजय दत्त और रॉकी यानी कि यश के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी। वैसे आप इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।